Unfortunately, that film didn't work. Whatever films have worked have been in the genre of comedy. But one thing, whatever roles I do them very seriously. So do you feel that you're being stereotyped somewhere as a comedian? First of all, an actor who can do comedy, and I'm glad that Tips as producers, Kumarji as who has spearheaded this project, offered me a lead role in a romantic comedy film. And it's actually up to the producer to and director to cast actors. You know, actors cannot cast themselves in roles, and it's important for them to see you in different light. And I'm glad that Mandeep and Kumarji, Tips production, along with UTV, saw me do this role. I'm glad that I was offered this film, and I'm doing it, and had a great time doing it. Janelia, now there's this trend, let's say, that after heroines get married, they don't, you know, they're not successful. So what do you think? Other than the few exceptions. There's already an exception to the rule, I think, and I don't really think that's true. There's Kajol, there's, you know, Aishwarya Rai. So it's, I don't think you can speak on that basis, you know. I really don't think that when you say after someone gets married, they're not successful. First of all, it's a choice that people make whether they want to act or not. And there have been wonderful actresses who have taken their next step in an extremely dignified manner. They've acted, they have been successful, and I think it's their choice how they take it ahead. Your speech is passed. She's here. February में आपकी शादी हुई इसी महीने आपकी फिल्म भी रिलीज हो रही है तो ये क्या प्रीप्लान था या फिर ऐसे ही कोइंसिडेंटली हो रहा है? कोइंसिडेंटली हो रहा है. वैलेंटाइन प्लान क्या है आपको? वैलेंटाइन प्लान जो प्रोड्यूसर बोलेंगे वो हम करेंगे. बोलेंगे गुलाब दे दो तो गुलाब देंगे, बोलेंगे केक काट दो केक काट देंगे. आफ्टर मैरिज वैलेंटाइन प्लान. हाँ जी, आफ्टर मैरिज पर्सनल वैलेंटाइन प्लान. मेरा पर्सनल वैलेंटाइन? यस, इतना पर्सनल है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. आपकी मूवी के बारे में आप क्या बताएं? सबसे अहम और अच्छा सवाल आपने पूछा है, थैंक यू वेरी मच. जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए उसके लिए जो आपने पूछा है,
तेरे नाल लव हो गया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्राइमरीली दो किरदारों पर ये फिल्म आधारित है. एक है मिनी जिस जो जिनीलिया प्ले कर रही है एक और लड़का है मेरे और दोनों के किरदार बहुत अलग हैं. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. जहाँ पर मिनी एब्सोल्युटली बबली एंथुजियास्टिक है, एक ऐसी लड़की है जिसे एडवेंचर जिंदगी में एडवेंचर बहुत पसंद है, कुछ नया करना चाहती है, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती. शी वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड डू वॉट शी फील्स लाइक. और वीरेन जो लड़का है वो 6 साल से शहर में आया है गाँव से और वहाँ पर बहुत मेहनत करता है ताकि वो पैसे जुटा सके, उसको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड ही रियली वर्क्स हार्ड टू मेक द एंड्स मीट एंड वॉन्ट्स टू डू बेटर इन लाइफ. पर किस तरह सिचुएशन में उसके पैसे चले जाते हैं और पैसे लेने के लिए वो अपने मालिक के पास जाता है और एक जैसे प्रोमो में दिखाई दिया एक एक्सीडेंटल किडनैपिंग में फंस जाता है. एंड देन द जर्नी कि एक लड़की खुद को किडनैप करवा लेती है, सारा ब्लेम इस पर डालती है और किस तरह ये दोनों अपने पैसे निकालने के चक्कर में एंड देन इन दैट प्रोसेस दे फॉल इन लव विद ईच अदर. हम लोगों ने नेट पे देखा है कि जब ये गाने बन रहे थे तब आप लोगों ने बहुत फन किया है, तो ऐसी कोई मोमेंट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, फन वाली मोमेंट्स? एक तो इस मुझे लगता है तेरे नाल लव हो गया इस फिल्म का जो फिल्म की जो बैकबोन है वो इस फिल्म की म्यूजिक है. और कुछ जो रिव्यूज आप देखते हो पढ़ते हैं, आई थिंक थैंक्स टू सचिन जीवन that you know the three of them, they've just been together, have worked so much on the music and given us fantastic music. तो जब भी हम गाने सुनते थे तो we used to wait कि गाने कब शूट होंगे और जब शूट होता था तो सोचते थे कि शूट होने के बाद गाने पढ़ते हुए कब दिखाई देंगे, you know, because it's really exciting moment जब एक अच्छा गाना शूट होता है and more so because it was romantic music and it was special for me क्योंकि after nearly 8 years I was probably doing a romantic song with Jenilia, so that was special. So every moment there, you know, mujhe yaad hai hum log PRA shoot kar rahe the aur Tu Mohabbat Hai dono simultaneously hum log gaane shoot kar rahe the aur Manali mein iski shooting ho rahi thi. To hamesha jab bhi hum ek location pe jaate the to wahan par pura fog aa jata tha. So we had to really actually go down, shift, really travel a lot, and you'll see in the making also, it was, and we really went to good locations, and they really scouted for some fantastic locations, and I shot in Manali for the first time, so it was an amazing experience for me, and more so, Sachin Jigar, they are the music in the backbone of this film. इस फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो किडनैप जो करते हैं जो जेनेलिया करते हैं आपका किडनैप या आप जेनेलिया क्या करते हैं क्या टीजर में तो जेनेलिया आपका किडनैप करते हैं. और हाँ क्योंकि टीजर में जो दिखा रहे हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, ऐसे कोई बना नहीं है. आफ्टर किडनैपिंग तक क्या शादी तक पहुँचते हैं क्या? शादी तक फिल्म में असली जिंदगी में तो पहुंच गया शादी तक. जहां तक फिल्म का सवाल है आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बट कोशिश तो यही है कि फिल्म में भी शादी तक पहुंच जाओ. Like Hrithi said, my character is extremely adventurous. She's on the run. She loves challenges. That's the whole deal about kidnapping and you know going very free spirited. Question. How's free spirit are you in real life? I think I'm very close to many, but how close? Yeah, I'm quite bubbly. I mean, the rest of it, I'm adventurous. I like adventures, but apart from that, she's a bit of a brat. I don't think I am. She is an absolute brat, first of all. And about being adventurous, yeah, of course you're adventurous.
Currently, I am promoting Tere Naal Love Ho Gaya. After this, I start promoting and dubbing for Hustle Part 2. And then I have to finish and promote Kya Cool Hai Hum Part 2. You know, strangely, all my sequels are the only comedies that I'm doing right now are all sequels. So it's quite exciting to be part of films that I've enjoyed previously. Lucky Charm. अगर थिएटर में ऑडियंस आ जाए तो लकी हो जाती है. नो एक्चुअली आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एज समथिंग इज लकी फॉर यू. आई जस्ट फील इफ द स्क्रिप्ट इज राइट एंड इफ पीपल एंजॉय योर फिल्म, अगर लोगों को फिल्म पसंद आती है तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. ये जो फिल्म है मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये अर्बन फिल्म नहीं है. You know, एक छोटे से शहर और छोटे से गांव की कहानी है, गांव और शहर के बीच में. तो इसमें जो भी होता है इट हैज एन एक्सट्रीमली अर्दी फील टू इट. हिल स्टेशन है, छोटा शहर है, रिक्शा वाला है, गांव है. सो दिस बिगनेस इन द रूरल एस्पेक्ट ऑफ इट. ये फिल्म इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या बड़े बड़े मॉल्स दिखाई दे रहे हैं. मुझे लगता है ये फिल्म अपने सोच में बड़ी है. And even if you shoot a film in a village, in one house, in a small town, you can still make it look big. And that was the conviction of Kumarji and Mandeep. And I think they've been largely successful in achieving what they set out to. Planning for मैंने अभी अभी कहा था कि you know. स्पेशल तो जो प्रोड्यूसर कहेंगे वही. आज हमारा वैलेंटाइन इस बार प्रोड्यूसर्स के साथ है और प्रमोशन के साथ है. तो जो भी वो कहेंगे इट विल बी डन, बट होपफुली वी गेट टाइम अलोन विदाउट द प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स टू हैव आवर ओन स्पेशल वैलेंटाइन. हेलो रितेश, आप ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों में ज़्यादा दिखते हो, क्या आप कॉमेडी की फिल्म करना ज़्यादा पसंद करते हो? नहीं सर, कॉमेडी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स मुझे वो फिल्में करना ज़्यादा पसंद करते हैं. सो इट्स इट डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह की फिल्में ऑफर होती है. और जो भी मैंने शायद कॉमेडी फिल्में की है वो बॉक्स ऑफिस पर चली है, इसलिए उसी तरह के रोल्स या उसके सीक्वल्स दोबारा आते हैं. But someone like Kumarji comes up with a film like Tere Naal and says कि ये romantic film है, मुझे एक आपके साथ एक romantic film करनी है. So that makes it more special. जिसमें then it's wonderful to work with Janelia after 8 years. And we always thought कि कभी मौका एक film में मिले, क्योंकि offers बहुत आए थे हमारे पास करने के लिए, पर we didn't think they were correct for the two of us to do. और हम लोग एक दूसरे के साथ किसी मल्टी स्टार में काम नहीं करना चाहते थे. तो आई थैंक कुमार जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस टू वर्क टुगेदर. और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर फिल्म की खासियत उसकी लिखावट, और बिकॉज वी कम फ्रॉम इंडिया एंड वी लव म्यूजिक इन आवर फिल्म्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ द टू ऑफ देम टुगेदर. As an actor, आप कैसे फिल्में करना पसंद करते हैं रोमांटिक के अलावा? You know, मैंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की है, रोम कॉम की है, फ्रेंडशिप के ऊपर फिल्में की है. आई वुड लव टू डू अ थ्रिलर. आई वुड लव टू डू अ नेगेटिव रोल, not in a funny way but a serious negative role. Sir, generally hum ke sath shaadi karne ke baad aap kaisa feel kar rahe hain?
बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, 10 साल रुका हूँ इसके लिए। सॉरी, वुड यू हैव एंटर्ड? आई हैव, वी आर येट प्लानिंग टू गेट अ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इन मराठी व्हिच आई विल बी प्रोड्यूसिंग and hopefully if the director feels it right, then I would love to act in it too. Yeah, we have locked on the story and the screenplay. I've just been busy with promotion of this film, and after this we'll sit on it and probably lock a date and see, first of all, I feel Marathi films are extremely sensitive, and they are something that I've said this before, and I'll say it again, that they have more guts to make the kind of films they do. And unfortunately, because of commercial aspect, though we have the budgets, we yet don't take that kind of risk as much as regional cinema does, with the constraint of budget of say 75 lakhs, 1 crore or 2 crores, 1/10 of the budget that we spend on other films, they yet make, and they shoot it as good. So it's not like the quality has suffered or anything. The films are as good, the content is much superior, I feel, and rich, more than superior. I think it's extremely rich and potent. But the film that we are looking forward to doing will obviously be, hopefully, as rich in content as Marathi cinema has been or is. But we're trying to elevate to a slightly more commercial and broader level. इस फिल्म में एक सीन था जो प्रोमो में दिखाई देता है, जहाँ पर हम लोग एक शादी में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते और हमें खाना खाना है, तो ये कहती है कि तुम्हें भूख लगी है तो सबसे अच्छा खाना शादियों में मिलता है और फ्री का खाना होता है, जो मैंने अपने शादी में देखा था, काफ़ी लोग आके फ्री का खाना खा के चले गए। सो हम लोग वहाँ जाते हैं तो आई गेट ड्रंक देयर, और एक जब सीन लिखा जाता है तो आपको पता होता है कि यू नो आप किस तरह उस सीन को, जब नरेट करने के बाद कि आप इसको एक्ट करोगे और आपको पता है कि सीन आपके हाथ में है इन बिटवीन टू एक्टर्स, तो जब वो सीन किया गया और उसके बाद आई डोंट ड्रिंक नीदर डज शी, सो वी डोंट ड्रिंक अल्कोहल, सो इट्स नॉट लाइक हम वी हैव सीन ईच अदर इन अ स्पेस वेयर वी आर ड्रंक, सो ये हमेशा ऐसा होता है कि आप दूसरों को देखते हो और इम्बाइब करने की कोशिश करते हो कि अगर हम इतनी ज़्यादा पी लें तो शायद ऐसा कुछ बिहेव करेंगे, तो वो उस सीन में आई वॉज एक्चुअली शॉक टू सी हर टू द सीन बिकॉज, एंड जब मैं सीन कर रहा था तो मैं रुक गया एक सेकेंड के लिए कि इज दिस हाउ शी विल बिहेव इफ शी गेट्स ड्रंक, बट इट वॉज एक्सट्रीमली फनी बिकॉज she outdid me in every aspect in that scene, so it was really great to see jab bhi aap ek acche not because she is my wife now, wife, yeah, you're my wife, come on, okay, not because she's here, but it's actually a pleasure to work with an actor who is competent and who gives in more than what you give in, so it's almost like a table tennis match where you hit the ball and the other person hits it back to you, so it's fun working around scenes that way, so it was really great fun, so I was more aware of her presence after 8 years because she's grown so much as an actor, so 8 saal ke baad aap dekhte ho lage kafi kuch badal chuka hai, then you have to be serious about what you're doing, you can't just jump around. Okay, yes, last question. Yes, oh, 8 saal
साल के लव स्टोरी के बाद सक्सेसफुल लव स्टोरी के बाद आपने मैरिज किया, तो कल वैलेंटाइन डे यंगस्टर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसे लड़कियों को प्रपोज करें, व्हाटएवर? लड़कियों को क्यों प्रपोज करोगे? यंगस्टर्स को क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन के बारे में? सबसे पहले आपको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आपकी शादी हो चुकी है? नहीं है। गर्लफ्रेंड है आपकी? एक है कि थी? है ना, तो कृपया उनको बाहर लेके जाइए। मेक अ फील स्पेशल टुडे, आई मीन टुमारो, टुमारो इज अ वैलेंटाइन डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट फॉरगेट कि आप ये भूल मत जाइए कि 14 फरवरी के बाद वो लड़की स्पेशल नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होता। उसके बाद हर दिन यू हैव टू मेक द गर्ल फील स्पेशल। मुझे लगता है कि लव इज समथिंग दैट हैपेंस टू यू, यू हैव टू नर्चर इट। आपको अगर प्यार हो जाए तो उसको संभालना पड़ता है और दोनों को एक साथ ग्रो होना पड़ता है। आप हमेशा अपने बारे में नहीं सोच सकते, प्यार में हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जो दूसरी, इफ इट्स अ गर्ल इट्स अ गर्ल, इफ इट्स अ गाय इट्स अ गाय, यू नो, हूएवर यू लव विद, यू हैव टू थिंक ऑफ द अदर पर्सन बिफोर योरसेल्फ एंड दैट व्हाट्स मेक्स अ रिलेशनशिप क्लिक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नाउ आई विल